एक एक क्या बोलते टनल है, टनल सुरंग, सुरंग जिसे कहा जाता है वो फिर रेशमी है। और मतलब वहाँ पे जैसे आप जाओगे ना ऑक्सीजन के लेवल ऑटोमेटिक कम। छत्तीसगढ़ के सबसे लंबे पुल में से आने वाला है ये, सेकंड नंबर का पुल है जो ले लिए हैं फैजल भाई भी, लेकिन इधर से ला रहा है। लड़के लोग फिर आ गए यहाँ लूटने के लिए, देखो इन लोग ऐसा खा रहे हैं। और ये देखो जो बहुत बड़ा छाता ये रहा, इस तरीके का ये नज़ारा देखो आप लोग, बहुत ही प्यारा पानी भरा हुआ है। मेरे दोस्त लोग चले गए ऊपर लोग से, और यहाँ पर जाने के लिए बहुत सारी प्रिकॉशन मतलब सावधानी प्रोग्राम बंद है ना, बहुत ही मतलब बहुत ही खतरनाक। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये इसके नीचे से होकर गुजरता है, ये जो अंदर जो देख रहे हैं ये। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और हम लोग जा रहे हैं दोस्तों के साथ, हम आठ दोस्त हैं, आठ दोस्त जा रहे हैं आज सोनहुट डैम। और सोनहुट डैम जो बहुत पुराना डैम है वहां पे जा रहे हैं, और आप लोग को भी लेके चलते हैं वहां का नज़ारा दिखाते हैं। और एक हम अपन लोग को एक और पुल देखना था, जो पुल छत्तीसगढ़ का सेकंड नंबर का हाइएस्ट लंबा पुल है, वहां पे जा रहे हैं। तो व्लॉग में बने रहो, फिर चलो चलते हैं साथ में। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं सांखरा में और नाश्ता कर रहे हैं भाई लोग के साथ। इसके बाद जाना है हम लोग को, इधर आगे और जाना है, बहुत टाइम है अभी, आधा एक घंटा बचा हुआ है रास्ता। तो चलो फिर आनंद ले रहे हैं नाश्ते का, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। अरे हम लोग चौक में हैं, तो हम लोग नाश्ता करके निकल गए अपनी मंजिल की ओर, और भाई लोग आगे निकल गए हैं। दो लोग बहुत आगे चले जा चुके हैं, और अभी हम सांकरा निकल रहे हैं, सांकरा से क्रॉस होकर आगे जाएंगे और आप लोग को ले जाते हैं। और अभी तक बताया नहीं आपको कहाँ जा रहे हैं, तो आप लोग एक दिन खबरे पे देख लिया होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए फिर लेके चलते हैं आप लोग। तो भाई साहब लोग पूरा डिस्कस करते जा रहे हैं रास्ते पर, क्या करना है कैसे करना है। हीरो हैं हमारे, और हम कुल टोटल आठ लोग आए हैं आज, और एक दो भाई लोग मिस हो गए और कुछ काम से बाहर गए थे इस कारण। और हम लोग पहुंच गए सोनहुट जलाशय जहां हम पहुंचाने वाले थे, और यहां से 3 किलोमीटर बता रहे हैं, पर चलो अब चलते हैं कितना दूर है। रास्ता थोड़ा ख़राब है रहने के लिए, और इधर कैंप भी लगे हुए हैं। करीब आ चुके हैं, और आप लोग को अब नीचे चलते हैं वहाँ किनारे में। अभी तो कोई नहीं खुले हैं, पर चलो कोई नहीं, बरसात के टाइम आना था हम लोग को, तो और भी आप लोग को नज़ारा दिखा रहे थे यहाँ का, पर पानी यहाँ पे भरा हुआ है नीचे में। गाड़ी वगैरह लगा लेते हैं अभी, का ये नज़ारा देखो आप लोग, बहुत ही प्यारा पानी भरा हुआ है। मेरे दोस्त लोग चले गए ऊपर, जो आप लोग को दिख रहे हैं लाइन से, हम लोग आठ लोग हैं, और दो तीन लोग मिस हो गए आज। ये शायद दूसरी टाइम है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, और डर तो लग रहा है थोड़ा, बट सपोर्ट है राइट साइड में तो दिक्कत नहीं है। और आप ये देखो इतना बड़ा सा खुला नहीं है अभी, चलो चलते हैं आगे, नीचे बहुत गहरा है। ये देखो यहाँ के एक एक नट देखो आप लोग, कितना बड़ा बड़ा नट लगा हुआ है। ऊपर ऊपर जाता है गेट इसका, कैसे इसका गेट ऊपर जाता है, ऐसा खुलता है। और यहाँ पे मंदिर समाशी भी, चलो 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 भाई आगे चलो। और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव गेट है यहाँ पे, जो कि इतने में मेरा धड़कन थोड़ा सा बढ़ रहा है। और ये देखो मंदरस माछी, बहुत जगह ऐसा मधुमक्खी,
बोले तो मधुमक्खी। अब वो इधर सीजी और वो बन रहा है ना, दिक्कत नहीं है। मधुमक्खी का डेरा है यहाँ पे, संभल कर आओ, संभल कर जाओ। बड़ा बड़ा देखो, ऊपर भी बहुत बड़ा बड़ा मधुमक्खी लगा हुआ है। और नीचे देखे, वाकई मैं झूठ ना बोलूँ, नीचे देखे मेरा हालत तो खराब हो गया थोड़ा सा। टाइम यहाँ पे देखो, रास्ते में है मधुमक्खी, तो जब भी आना संभल के आना। कभी भी लोग बढ़ सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं नीचे और देखो नीचे का भी नज़ारा दिखा रहा हूँ आप लोगों को मैं। और ये नीचे का नज़ारा इस टाइप, और ये भाई लोग अभी फोटो वगैरह खींचा रहे हैं। डरता क्यों है ब्रो? तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर से जा रहे हैं, तो आप लोगों को सीढ़ी दिख रहा है पीछे, ये पीछे सीढ़ी दिख रहा है ऊपर जा रही है। अरे भाई और तो अभी चलते हैं ऊपर। और ये रहा सीढ़ी, इतना छोटा छोटा है, चढ़ने में हालत खराब हो गया। और आप इधर का नज़ारा देखो, ये देखो ये नज़ारा, और पानी तो बहुत है अभी। ये लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, और बहुत लंबा चौड़ा है, आप पीछे भी देख, आगे भी देख सकते हो। इधर कैसा लग रहा है भाई? भाई वाह, क्या फीलिंग है भाई, वाह भाई देखो इधर जबरदस्त। और जहाँ तक मच्छी पकड़ने के लिए जाल डाला गया है उसको फिर याद आएगा इसका रॉड का, फिशिंग रॉड में भूल गया, हर बार भूल जाता हूँ। जहाँ जब भी जाता हूँ ना, बांध वगैरह जाने रहता तो हमेशा भूलना भूल जाता है। और भैया वहाँ पे बैठे हैं, जब दिख रहे भैया बैठ के भी पकड़ रहे हैं मच्छी। और नीचे भी दिया गया सीढ़ी नीचे जाने के लिए, और बाकी लोग उधर जा रहे हैं, बाकी इधर हैं। चलो और चलते हैं उधर आगे, चलो जा रहे हैं आगे। और इधर आप लोगों को दिखाते हैं डैम का कुछ नजारा, बहुत सारा खजाना है। और भाई और रहस्यमय क्या था बता दो? रहस्यमय गुफा, जो रहस्यमय गुफा है, एक क्या बोलते टनल है, टनल सुरंग, सुरंग जिसे कहा जाता है, बहुत ही रहस्यमय। और वहाँ पे जैसे आप जाओगे ना, ऑक्सीजन के लेवल ऑटोमेटिक कम होता है, बहुत अंदर है वो जमीन के अंदर, बहुत ही खतरनाक है भाई, वहाँ पे जाना बहुत इम्पॉसिबल है। पर सुनाई में आया था, पर जो देखा जाए तो अभी उसको कहा जाता है बंद कर दिया गया है, जो टनल सुरंग था उसको। और ये कुछ नीचे का नजारा आप लोगों को दिखा रहे हैं, थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। और नीचे मधुमक्खियों का बहुत डेरा बना चुके हैं हम लोग, और अपना गोल्डी बल्ब को चढ़ गए। चलो अपन लोग भी चलते हैं ऊपर, टक गया भाई, अरे भाई चलो चलो ऊपर ही चलते हैं। प्रवेश निषेध है, बस हम लोग को कोशिश कर रहे हैं उतारने का। चलो उतर जाओ, उतर जाओ, उतर जाओ, ऊपर नहीं जाना, उतर जाओ, क्योंकि खतरा भी हो सकता है। और जब यहाँ लीक के डाले हैं, मतलब गलती नहीं करना है हम अपने को, रिस्क नहीं लेने का है। तो इसकी हिस्ट्री ये है गाइस, ये 1988 में बना है डैम, और इसको करीबन 36 साल हो गए छत्तीसगढ़ में। 36 साल में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, 36वां साल में हम लोग एंट्री है, हम लोग एंट्री है भाई, हम लोग इधर है। और क्या था, और 518 किलोमीटर स्क्वायर फीट में पहले बहुत ही बड़े बांध है, सुगर बांध है। ये ठेकेदार आप देख सकते हैं, इसका ठेकेदार, ये सब ये हमारे बीच में ठेकेदार है, हम लोग इधर पर हैं, और ये हमारे दोस्त, ये यहाँ के वर्कर्स हैं जो आप लोग देख रहे हैं पीछे वर्कर्स। भाई मारो मुझे, मारो मुझे नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। जो गांव से हम लोग आए हैं सरोना से, वहां से करीबन ये 70 से 75 किलोमीटर दूर है। और हम लोग पूछते पूछते आए हैं इधर, क्योंकि हम लोग अभी फर्स्ट टाइम आया हूँ, ये भी फर्स्ट टाइम आया है, और ये भी फर्स्ट टाइम है। और दो भाई लोग थे, उन लोग आ चुके थे यहाँ पे, तो अपन लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, तो थोड़ा इंजॉयमेंट करने के लायक है ये जगह। अगर आप लोग भी आओगे ना तो देखोगे, आप लोग को जहाँ तक आपका नजर जाएगा ना गाइस, वहाँ तक पूरा पानी ही पानी भरा हुआ है। और अभी तो फिलहाल डैम नहीं है, उसका वो गेट ओपन नहीं किए हैं। जिस टाइम गेट ओपन रहता है उस टाइम बहुत ज़्यादा देखने के लायक नज़ारा रहता है, क्योंकि जब गेट खुला रहता है ना, तो एकदम पानी जब निकलता है तो बहुत ही शानदार नज़ारा रहता है। तो वो हमने मिस कर दिया, और नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि ऐसा जब नज़ारा रहे तब हम लोग आ सकें। तो आप लोग व्लॉग में बने रहो लास्ट तक, और अभी चलते हैं आगे। और भाई लोग का थोड़ा फोटो शूट वगैरह भी करना है, अब साथ में कैमरा लेके आए हैं,
तो फोटो शूट करना जरूरी है। तो चल भाई निखिल, तेरा भी करना है भाई, कभी अभी फोटो शूट किए हैं रास्ते में। ये देखिए, ये देखो तुरंत मैंने पकड़ लिया ये बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत ही प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। जमीन में पाटते हैं तो सिक्का बनता है। ये हम लोग बचपन में करते थे, ये रेयर रेयर फुरफुंदी, ये सब ना हम लोग बचपन में करते थे। हां, ये फुरफुंदी हो गया, क्या हो गया, उसको एकदम दबोच के मार के उसको जमीन में गाड़ देते थे और सिक्का बनता था करके ट्राई करके देखते थे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। हुआ नहीं, बस हम लोग का कई डोकरी ढाकरी लोग ऐसा बता देते, बचपन का था, बचपन का सोच था। बट अभी बड़े हो गए हैं और सब अभी जाने जानने लायक हो गए हैं, हर चीज़ को जानने समझने लायक हो गए हैं। तो फिर बने रहो व्लॉग में, चलते हैं आगे। और कुछ यूनिक दिखता है तो आप लोगों को दिखाने का पूरा कोशिश करेंगे। और जहाँ तक मेरे सुनाई में आया है कि बहुत पुराना डैम है, ये रहने के लिए बहुत पुराना डैम है। और मेरा आवाज़ इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि मेरे को सर्दी पकड़ा है। और पूरे डैम में कम से कम 150 मधुमक्खी के छाते। हाँ हाँ, ये छाते ये है, बड़े मधुमक्खी, जरा संभाल कर आए दोस्त, ताकि दरार आ गया है। और ये भी दिख रहा है, ये भी पूरा। और यहाँ तो रिस्की है चढ़ना, लेकिन अपन ऊपर नहीं जाएंगे। और भीड़ भी अभी जहाँ तक ना बहुत लोग आ चुके हैं और आ ही रहे हैं। और नीचे का आप नज़ारा देखो, बहुत बड़ा है गाइस, देखने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेकिन हम लोग अभी आगे चलते हैं और आगे कुछ दिखेगा तो आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे। तो कंटिन्यू बने रहो व्लॉग में। और हम लोग यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से जा रहे हैं अभी। और कुछ अपने को दिखा नहीं, बट रास्ते में कहीं कहीं देखेंगे जहाँ कुछ दिखा। निखिल भाई निकल जाएगा, आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, इतना सारा एक्सप्लोर करने की जगह है ना यहाँ पर। आप लोग मतलब इसको एक दिन में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है, दो तीन दिन लगेंगे पूरे घूमने में। जाना ऐसा जगह है, अच्छी जगह है, क्यों हम लोग कम टाइम में इसको क्या बोलते हैं एंजॉय करने की कोशिश की है। लेकिन अभी भी मतलब बहुत सारी जगह जो है ना घूमना बाकी है, बट आते रहेंगे। और गाइस, जो गुफा हम लोग ढूंढ रहे थे और जिसका हम लोग को पता चला था, उस चीज़ को हम लोग देखने के लिए बहुत एक्साइटमेंट थे और वो चीज़ हम लोग को मिल चुका है। तो चलो आप लोग को भी दिखाते हैं और भाई लोग बताएंगे। चलो भाई, तो ये जो चैनल गेट है, इसके नीचे से एक और चैनल गेट है, यहाँ पर परमिशन नहीं, प्रवेश निषेध रहता है। क्या ये जो यहाँ की जल संसाधन सुरंग है ना, वो अंदर एरिया में है, मतलब ऑक्सीजन का क्या लेवल ऑटोमेटिक क्या है डाउन रहता है, बहुत ही माइनस है। और यहाँ पर जाने के लिए बहुत सारी प्रिकॉशन, मतलब सावधानी पूर्वक बंद है, बहुत ही खतरनाक। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इसके नीचे से होकर गुजरता है, ये जो अंदर जो देख रहे हैं, ये जो दिख रहा है ना आप लोग को, ये जो दिख रहा है जहाँ से पानी अभी फ्लो के आता है, इसके नीचे से बना हुआ है, इसके नीचे से बना हुआ है। वो जो दिख रहा है ना, एक आप लोग को मैं रूम को जूम करके दिखाता हूँ, जो आप लोग को दिख रहा होगा ये यहाँ पे एग्जिट होता है। यहाँ से एंट्री करोगे तो वहाँ एग्जिट होगा, वहाँ से एंट्री करोगे तो यहाँ एग्जिट होगा। जब एक किस टाइम होता है, जब यहाँ पे पानी जब खोला जाता है, यहाँ पे पानी जब खोला जाता है, उस टाइम जो पैक रहता है पानी के कारण, ये भी ऊपर का जना ये भी पैक हो जाता है, इस कारण से इसको चालू किया जाता है। और यही हम लोग कुछ देखने के लिए आए थे और ये हम लोग को मिल गया। और भाई लोग अभी फोटो शूट वगैरह कर रहे हैं। तो फाइनली गाइस, जो हम लोग ढूंढ रहे थे वो हम लोग को मिल चुका है। और सर्दी के कारण मैं थोड़ा पस्त हूँ, थोड़ा तकलीफ है, पर क्या करें, वीडियो भी बनाना ज़रूरी है। और भाई लोग भी फोटो शूट कर रहे हैं। तो गाइस, जो हमारा जो प्लान था, जो घूमने का था, वो यही डेस्टिनेशन था। और यहाँ पे हम लोग इन्जॉय कर लिए बहुत ज़्यादा, ऊपर बैठ के जो नाश्ता वगैरह लाए थे वो खा लिए। और फाइनली जो आप लोग को डैम दिख रहा है, बहुत ही प्यारा है, एक बार ज़रूर यहाँ पे आइएगा, विजिट कीजिएगा और फैमिली के साथ आइए, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे बहुत सारे दोस्त भी आने वाले थे, पर हम लोग जल्दी आ गए और प्लान हम लोग को बताया नहीं, अचानक से हम लोग का आना हुआ इस कारण से। तो फिर हम अपन लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। आप लोग तो हम लोग खा रहे हैं गाइस मुंगेली बड़ा, और भाई लोग ले लिए हैं, फैजल भाई भी ले उधर से ला रहा है, लड़के लोग फिर आ गए यहाँ लूटने के लिए। देखो इन लोग ऐसा खा रहे हैं भाई, इतना भूखे हैं इन लोग, क्योंकि खाना नहीं खाया अपन दिन भर और टूर के कारण अपन लोग जैसे ही भूखे थे। तो चलो खाते हैं फिर अभी। तो हे गाइस, और मैं अभी खड़ा हूँ छत्तीसगढ़ के सबसे लंबे पुल में से आने वाला, ये सेकंड नंबर का पुल है जो बिड़गुड़ी के पास है। ये देखो लंबा, देखो आप लोग, कम से कम 1 से 2 किलोमीटर लंबा है ये, और हम लोग इसको देखने के लिए आए हैं यहाँ पे। और ये जो आप लोग को दिख रहा है, इधर दुधावा बांध कनेक्टेड है, यहाँ से थोड़ा दूर में दुधावा का बांध है। तो हम लोग अभी यहीं पर हैं और भाई लोग अभी यहाँ देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। तो चलो आप लोग से भी मिलाता हूँ और दिखाता हूँ आप लोग को थोड़ा सा पुल यहाँ का। यहाँ से लेके आप लोग इसका लंबाई देखो, आपका नज़र के जाते तक पूरा दिखेगा आप लोगों को। देखो बहुत लंबा पुल है, जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखो बहुत लंबा पुल है, बहुत ज़्यादा, कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर बताया जाता है इस पुल को, और हाईएस्ट लंबा पुल है। और इधर आप लोग को दिख जाएगा दुधावा,
जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 2-3 किलोमीटर के अंदर में आ जाएगा दुधावा। और अपन लोग भी शाम हो गया, सुबह से निकले थे 12 बजे से, फोटो वगैरह ये लोग शूट कर रहे हैं, उसके बाद अपन लोग यहाँ से निकलेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।